के इंडियन नेवी और जो सऊदी अरेबिया की जो नेवी है वो अपनी मेडन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब जरा इस चीज को जहन में रखना है कि इनकी आपस में इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस टाइज हैं वो भी बढ़ रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान में समझते हैं क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क है तो नहीं, बस उसको मुस्लिम मुसलमान मुल्कों के साथ ही ताल्लुक रखना चाहिए, उनको जो है वो नॉन मुस्लिम जो है उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। जो हमारी यहाँ पे हमने एक एनवायरमेंट बनाया जिसका पता चला कि भाई ये तो एक बड़ी बड़ी गलत सोच रही है। सऊदीज का भी यही हाल है कि वो बात नहीं करते और अपने पैसे भी वापस मांग लेते। चलो बात नहीं करनी मत करो, हम कौन सा मरे जा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन पैसे तो कम से कम वापस नहीं मांगने चाहिए ना। इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपना एक पांव रखता है, जिससे आपको याद होगा कि इंडिया कहता है जी कि हाँ ओआईसी में हमारे भी ताल्लुकात होने चाहिए, ओआईसी में हमें भी पेनिट्रेशन दें, क्योंकि हमारे 20-22 करोड़ जो मुसलमान है आप उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। रेयर न्यूज है, नॉर्मली इस तरह की खबरें आती नहीं है, और वो ये है कि इंडियन नेवी और जो सऊदी अरेबिया की जो नेवी है वो अपनी मेडन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और रिसेंटली जो इंडियन एम्बेसी है रियाद के अंदर, उन्होंने एक जो है वो प्रेस रिलीज भी जारी की और इसके बारे में बात भी की कि अल मुहीद अल हिंदी 2021, अल मुहीद अल हिंदी जो है वो नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और ये जो इंडियन नेवी है उसकी आप ये समझ लें कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट उनके जो जो फ्लैगशिप डिस्ट्रॉयर है इंडियन वेस्टर्न नेवल फ्लीट का, अब वो पोर्ट अल जुबैल जो है वहां पे पहुंचा मंडे को। और ऑब्वियसली जो भी आजकल कोविड के मामले आते हैं उनको देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और इस जो शिप है, ये जो डिस्ट्रॉयर है, इसको ऐसे कहा जाता है कि दैट इज नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इक्विप्ड है और इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड डिजिटल नेटवर्क्स हैं, एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स है, सेंसर्स हैं जो कि हर किस्म के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, दैट कुड बी फ्रॉम एयर सी एंड अंडर वाटर से भी ज्यादा। और ये इस शिप्स की जो है वो यूनिक पोजीशन है, और कहा जाता है कि ये भी एक हाई लेवल इंडिजनाइजेशन अचीवमेंट है इंडिया की। खैर ये तो ऑब्वियसली एक उनका जो एक लोकल उनका एक एलिमेंट है जो उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डाला, जिसमें वो ये कहते हैं कि हर चीज को लोकल बनाओ, और बिकॉज दे बिलीव वो कहते हैं कि जी हमने अपनी जो मेक इन इंडिया उसको प्रमोट करना है। जो सऊदी नेवी है, इन दोनों का जो एक दरमियान कोऑपरेशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो कि एक दोनों ममालिक ने एक कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, ज्वाइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन भी स्टैब्लिश की थी, जिसका बेसिकली काम ये था कि वो स्टैब्लिश करे कि किस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो मैच्योर हो सकते हैं। अब जरा इस चीज को जहन में रखना है कि इनकी आपस में इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस टाइज हैं वो भी बढ़ रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे पाकिस्तान में समझते हैं क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क है तो नहीं, बस उसको मुस्लिम मुसलमान मुल्कों के साथ ही ताल्लुक रखना चाहिए, उनको जो है वो नॉन मुस्लिम जो है उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। जो हमारी यहाँ पे हमने एक एनवायरमेंट बनाया जिसका पता चला कि भाई ये तो एक बड़ी बड़ी गलत सोच रही है। क्योंकि खैर अभी जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस सऊदी अरब ने बनाया उसमें इन्होंने पाकिस्तान को डाला, और पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल रहील शरीफ, उसको उसका हेड लगा दिया, और वो जो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेरर कोलिशन है उससे मेरा ख्याल है कि हर जो मुल्क है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। पाकिस्तान अब कश्मीर के ऊपर सऊदी अरब की मदद नहीं ले सका, और माजी में उन्होंने बड़ी मदद दी है, बहुत कुछ उन्होंने कुछ किया है। वो समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि शायद जिस तरह हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं, हर मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने खराब कर ले, और हर मुल्क जो है वो इंडिया के साथ इंडिया से पीछे हट जाए, जिस तरह हम उसको कहते हैं। ये जमाना थोड़ा बदल गया है। मिडिल ईस्ट में जितने अरब ममालिक हैं वहाँ लीडरशिप भी बिल्कुल नहीं है, यंग लड़के हैं और वो उस तरह नहीं सोचते जिस तरह उनके बाप दादा जो किंग हुआ करते थे या उस वक्त जो बड़ी पोजिशन में थे वो जिस तरह सोचते थे। फिर उनको अपने अपनी मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी ना होने की वजह से वहां पे उनको जो लीडरशिप चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि वो हर वक्त जो है वो अपनी मर्जी से चीजें वो नहीं कर सकते।
अभी जो इंडियन जो 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 रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस है वो ट्रेन होती है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल डिफेंस कॉलेज है दिल्ली में, जैसे कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है, और फिर एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है. इस तरह बहुत सारी जगहों पे वो कोर्स करने भी आते हैं इंडिया में. और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो इंडिया सऊदी बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप है उसको मुस्बत समझा जा रहा है. उसके अंदर ये नहीं है कि वो सऊदी सब स्मार्ट है, वो नहीं समझते कि हमें पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया के साथ जो पाकिस्तान की वजह से इंडिया से ताल्लुकात खराब करने चाहिए. आपको याद है कि जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गए तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर की तो बात हुई आई थिंक वहां पे पिछले कुछ सालों में, अगले कुछ सालों में इन्वेस्ट करेंगे. एंड अबव ऑल इंडिया को भी एक लिवरेज है कि इंडिया जो है वो चाहता है कि हमारा जो हज कोटा है वो तकरीबन 2 लाख हाजियों तक किया जाए. सो इंडिया बेसिकली ये मिडिल ईस्टर्न और मुस्लिम ममालिक को बताना चाहता है कि हमारे पास भी क्योंकि मुसलमान है तो उसकी वो लिवरेज लेना चाहता है. और सऊदी अरब को ये बताया कि जी सिर्फ पाकिस्तान से कोटा नहीं आता, बिकॉज उनको पता है कि इस कोटे से उनको पैसा मिलता है जब लोग हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं. मैंने भी उमरा किया है, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया, और देखा वहां बहुत सारे इंडियंस आए होते हैं जो उमरा करने आते हैं, कहीं ना कहीं रास्ते से आते हैं वो. तो यहाँ पे आके मुझे पता ये चलता है कि जो सऊदीज हैं दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया, और इंडियंस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा जो ताल्लुकात को डिपेंडेंसी रखना चाहते हैं, अपनी ताल्लुकात जो है वो अच्छे रखना चाहते हैं. इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी अपना एक पांव रखता है, जिससे आपको याद होगा कि इंडिया कहता है जी कि हाँ ओआईसी में हमारे भी ताल्लुकात होने चाहिए, ओआईसी में हमें भी पेनिट्रेशन दें, क्योंकि हमारे 20-22 करोड़ जो मुसलमान है आप उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों उनको वैल्यू नहीं देते. तो आपको पता है रिसेंटली यूएई ने जब ओआईसी का इजलास बुलाया तो उन्होंने इंडिया को वहां पे बुलाया, और जब हमारे हमारी यूएई ने सुनी नहीं. हम बड़ा कहते थे कि नहीं इंडिया तो एक हिंदू मुल्क है तो उनको ना बुलाएं, लेकिन यूएई के और इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि उन्होंने बुला लिया. और फिर आपको पता है रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में अपनी जो कश्मीर का स्टेटस बदला, तो उसके बाद जो है वो यूएई और जो अरब ममालिक है उनको बुला बुला के तो बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं. तो जिसका आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में तो यहाँ पर बड़ा मामला खराब हुआ और हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान है, सारे रिलेशनशिप को हाईजैक करना चाहता है और हमें जो है वो फोर्स करता है कि हम पाकिस्तान की मर्जी से ताल्लुकात जो है वो मेंटेन करें इंडिया के साथ. जिस पर मेरा ख्याल है सऊदी अरब और यूएई ने ये फैसला कर लिया, क्योंकि हमारी तो डिपेंडेंस उन पर ज्यादा है. हमारी तो कोई 12-14 अरब डॉलर की जो फॉरेन रेमिटेंस आती है सऊदी अरब से और मिडल ईस्ट से, जो दुनिया से हमें टोटल रेमिटेंस अगर 24-25 अरब डॉलर आती है तो उसका हाफ हमें मिडल ईस्ट से आता है और उसका हाफ हमें सऊदी अरब से आता है. तो फिर इसको देख करके सऊदीज और अमरातीज ने हमें थोड़ा टफ टाइम भी दिया. अभी तो सऊदी अमरातीज ने हमारे वीजे बंद कर दिए हैं. पहले ही आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जबरदस्त, क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा हद तक जो है बहुत स्ट्रांगली जो है वो हिस्ट्री अगर आप हमारी उठा के देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि बदतरीन डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में पाकिस्तान चला गया है कि चाइना हमें मुंह नहीं लगा रहा, थोड़ी आंखें दिखा रहा है, भारत हमें नहीं पूछता, अफगानिस्तान हमें बुरा भला कह रहा है, अमेरिका हमसे नाराज है, फोन भी नहीं करता अमेरिका वाले, और यूरोपियंस और गल्फ स्टेट्स का भी यही हाल है, सऊदीज का भी यही हाल है कि वो बात नहीं करते और अपने पैसे भी वापस मांग लेते. चलो बात नहीं करनी मत करो, हम कौन सा मरे जा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन पैसे तो कम से कम वापस नहीं मांगने चाहिए ना. ये सऊदीज जो है ना इनको तो बिल्कुल कोई ऊपर वाले का खौफ ही नहीं है, ऐसे तो बड़ी इस्लामिक कंट्री बनते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि पैसे का क्या करना है, वापस थोड़ी मांगा जाता है इस तरह से, वो भी इस्लामिक कंट्री को देने के बाद.